चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। ओहो क्या बात है, आज तो बड़े रोमांटिक मूड में हो। हाँ हूँ, बट इट हैज नथिंग टू डू विथ यू। तो फिर जिसके लिए गा रही हो उसी के पास जाके गाओ ना। मैं चंदन के लिए गा रही हूँ। क्या, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम चंदन है? आई मीन सो आउटडेटेड। चंदन मेरे बॉयफ्रेंड का नाम नहीं, आज का हमारा टॉपिक है चंदन, मतलब सैंडलवुड। पता है सैंडलवुड का और इंडिया का बहुत पुराना कनेक्शन है। पुराना मतलब ऑलवेज इंटरेस्टिंग। अब बता बताओ क्या कनेक्शन है। हिंदू माइथोलॉजी में सैंडलवुड की बहुत इम्पोर्टेंस है, यहाँ तक कि रामायण में भी सैंडलवुड का जगह जगह जिक्र है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जो टीका होता है ये भी चंदन का ही लगाया जाता है? एब्सोल्युटली, क्योंकि चंदन यानी सैंडलवुड की लकड़ी खुशबूदार होती है, ठंडी होती है, इसीलिए इसी के पाउडर का टीका भी लगाया जाता है। सी, आई एम सो नॉलेजेबल। आई बेट तुम्हें ये नहीं पता होगा कि कालिदास ने 5th century AD में लिखे अपने महाकाव्य मेघदूतम में सैंडलवुड को बहुत जगह मेंशन किया है। हाँ यार, मैंने तो सिर्फ कालिदास का नाम सुना था, वो भी स्कूल में। यही नहीं, वामना पुराण में भी चंदन की लकड़ी को भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे अच्छा बताया गया है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से तो देवी लक्ष्मी का वास ही चंदन के पेड़ में है। क्या बात है, सैंडलवुड में कभी दीमक भी नहीं लगती, इसीलिए तो इसका इस्तेमाल मंदिरों में एंशिएंट टाइम से हो रहा है। तो सबसे पहले सैंडलवुड को हम इंडियंस ने यूज किया? पॉसिबली, लेकिन इजिप्शियंस भी इसका यूज बहुत करते थे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, लगभग 5000 साल पहले इजिप्शियंस ममीज को प्रिजर्व करने में सैंडलवुड का यूज करते थे। ओह माय गॉड, तब तो ये दुनिया की सबसे महंगी वुड होगी। इट्स ऑन सेकंड पोजीशन। सबसे महंगी वुड अफ्रीकन ब्लैकवुड ट्री की होती है। नॉट बैड, लेकिन ये सैंडलवुड ट्री कौन से एरिया में ज्यादा होते हैं? सैंडलवुड सदर्न इंडिया में बहुत होता है, और उस एरिया के लिए ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। इंडिया की सैंडलवुड का सारी दुनिया ने लोहा माना है। हाँ, लेकिन इंडिया के अलावा सैंडलवुड साउथ एशियन, ऑस्ट्रेलिया, हवाई और दूसरी कंट्रीज में भी थोड़ा बहुत होता है। तब तो ये इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट होता होगा। एक्सपोर्ट तो होता है, लेकिन उसकी हिस्ट्री आज तक बहुत क्लियर नहीं है। सच सच बताओ, हिस्ट्री क्लियर नहीं है या तुम्हें पता नहीं है? अरे हिस्ट्री ही नहीं है, लेकिन 1976 में ओल्ड हार्बर ऑफ हाउशू में एक डूबा हुआ चाइनीज जहाज मिला। देखा, मैं तो कह ही रहा था चाइनीज माल अच्छा नहीं होता। ये जहाज सोंग डायनेस्टी का था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सन 960 से 1279 के बीच का रहा होगा। इस जहाज पर सैंडलवुड के टुकड़े भी मिले थे। Oh, that's sad. हाँ, लेकिन उससे ज्यादा सैड तो थाईलैंड में होता है। सैकड़ों साल पहले थाईलैंड की रॉयल फैमिली का कोई मेंबर अगर कोई क्राइम करता था तो उसे सैंडलवुड की लकड़ी से मार मार कर जान से मार दिया जाता था। क्या बात कर रही हो? वैसे भी फर्क क्या पड़ता है, जब जान से ही जाना है तो सैंडलवुड हो या पाइनवुड हो। 1511 में पोर्चुगीज पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने सैंडलवुड का एशिया में ट्रेड शुरू किया। उधर पोर्चुगीज धीरे धीरे सैंडलवुड के बिजनेस को बढ़ावा दे रहे थे, और इधर इंडिया में सैंडलवुड हर तरफ अपनी खुशबू खुद ही फैला रहा था, और इतना फायदेमंद होता जा रहा था कि 16th century में विजयनगर राजवंश के राजा कृष्णदेव राय ने चंदन के बिजनेस पर अपना कब्जा जमा लिया। और सैंडलवुड भी ज्यादा वहीं होता है इसलिए। हाँ, एक वो भी रीजन था, और एक ये कि उस वक्त भी सैंडलवुड का मेडिसिनल यूजेज बहुत था। तो ये राजा बहुत बीमार पड़ते थे क्या? नहीं, लेकिन मेडिसिनल यूजेज की वजह से सैंडलवुड हमेशा से काफी महंगा रहा है। मतलब सैंडलवुड की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से वुंड हील हो रहे थे? हाँ, सैंडलवुड का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर, स्किन डिजीज, स्टमक अल्सर और हार्ट रेट को ठीक करने में किया जाता है। वाओ, ये लकड़ी है या डॉक्टर? और शायद इसीलिए मैसूर के राजा टीपू सुल्तान ने सन 1792 में सैंडलवुड ट्रीज को रॉयल ट्री का दर्जा दे दिया, और सैंडलवुड के सारे बिजनेस पर अपना कब्जा जमा लिया। रॉयल ट्री बनाने के बाद से ये ट्रेडिशन आज भी चला आ रहा है। आज भी सैंडलवुड का बिजनेस सरकार के हाथ में ही है। लेकिन अगर मैं सैंडलवुड ट्री अपने गार्डन में लगाऊं, तब तो वो मेरा है? रॉन्ग, अगर तुम उसे अपने ड्राइंग रूम में भी लगाओ तो भी उसका 75% गवर्नमेंट का होता है, otherwise it becomes illegal. Oh, thank God, I don't have any sandalwood tree in my house. सन 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई अंग्रेजों के साथ अपनी लड़ाई में टीपू सुल्तान मारा गया, और अंग्रेजों ने नलवाड़ी कृष्ण राजा वोदेयर को मैसूर राज्य सौंप दिया। अब इस राजा ने क्या गुल खिलाए? वही जो अब तक सब कर रहे थे, सैंडलवुड का बिजनेस। लेकिन वोडेयर के पीरियड में सैंडलवुड के बिजनेस को बहुत बढ़ावा मिला,
लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के करीब सैंडलवुड का एक्सपोर्ट काफी कम हो गया, जिसकी वजह से मैसूर राजा की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो गई। क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू मैसूर में सैंडलवुड से जनरेट होता था, इसलिए हाँ, इसलिए उस समय के राजा कृष्ण वोडेयार ने अपनी दीवान को बुलाया और इस पर विचार किया। इस मीटिंग में अल्फ्रेड चिटर्टन, जो कि डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ मैसूर थे, उन्हें भी अपनी राय देने के लिए बुलाया गया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? सैंडलवुड बिका? नहीं, उससे भी बड़ा कुछ हुआ। पहली बार इंडिया में सैंडलवुड से ऑयल निकाला गया। फिर क्या, फिर तो राजा की पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था। लेकिन अब सैंडलवुड ऑयल से आमदनी में बहुत इजाफा हो गया। फिर धीरे धीरे वक्त बदला और भारत से सैंडलवुड ऑयल भी एक्सपोर्ट होने लगा। फिर तो सैंडलवुड ऑयल का बिजनेस काफी ऑर्गेनाइज हो गया होगा। 1916 में एक सैंडलवुड ऑयल डिस्टिलरी बेंगलुरु के पास मल्लेश्वरम में स्टैब्लिश की गई। साथ ही साथ गवर्नमेंट सोप फैक्ट्री भी स्टार्ट की, जिसमें सैंडलवुड ऑयल का यूज होता है। इस फैक्ट्री का बना मैसूर सैंडल सोप आज भी बहुत फेमस है। 1903 से 1916 के बीच लगभग 10 लाख सैंडलवुड पेड़ों को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था एक स्पाइक डिजीज की वजह से। What a loss! अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब पेड़ डिजीज से तो सेफ हैं, लेकिन इलीगल ट्रेड से परेशान हैं। सैंडलवुड की स्मगलिंग बचाने के लिए अब गवर्नमेंट ने 100 टन का एक कोटा बना दिया है और अब इतना ही वुड हर साल जंगल से काटा जाता है। आज इस कहावत का मतलब समझ में आया है। कौन सी? कि चंदन के पेड़ पर इतने सांप क्यों लिपटे होते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एपिक।